एवरीवन, वेलकम टू वायरल लाइफस्टाइल। और आज हम करने वाले हैं व्हाइट चॉकलेट वैक्स। तो व्हाइट चॉकलेट वैक्स के लिए मैंने यहाँ पे लिया है व्हाइट चॉकलेट वैक्स, और यहाँ पे हम लेंगे ये हीटर, क्योंकि जो ये चॉकलेट वैक्स है वो इसी हीटर में गर्म होता है, इसको नॉर्मल हीटर नहीं लगता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे इसको ऑन कर दूंगी ताकि हमारा वैक्स गर्म हो जाए। और उसके बाद हमें यहाँ पे लगेगा पाउडर, लगेगी ये स्ट्रिप, क्योंकि ये स्ट्रिप वाला वैक्स है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे जेल, जो कि बाद में यूज करेंगे हम। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वैक्स करने का तरीका क्या है और आप इसे घर पे कैसे कर सकते हो। सो फर्स्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पाउडर। उसके बाद हम लेंगे वैक्स को। आपको ये बात अच्छी तरह से याद रखना है कि वैक्स को हमें एकदम ज्यादा पतला नहीं करना है। और आप देख सकते हो मेरी जो हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन है वो क्रॉस में है, तो उसी तरीके से हम वैक्स को अप्लाई करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे स्ट्रिप, और स्ट्रिप को हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम अपर डायरेक्शन में इसे खींचेंगे। तो यहाँ पे दिखाओ, ये देखिए हमारी हेयर ग्रोथ। अगर आपकी बारीक से भी बारीक हेयर ग्रोथ होगी तो इस वैक्स से वो इजीली निकल जाएगी। और सेकेंड बात ये है कि अगर आप पाउडर नहीं लगाना है आपको, तो आप इसके ऊपर पहले जेल अप्लाई करें और उसके बाद उसे थोड़ा सा ड्राई होने दें, और उसके बाद आप वैक्स अप्लाई कर सकते हो। ये दो तरीके से वैक्स होता है, अगर किसी के पास जेल नहीं है तो वो पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो और आपको वैक्स करना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आपको इतनी ज्यादा क्वांटिटी में वैक्स नहीं लगाना है, आपको हाफ हाफ करके वैक्स को अप्लाई करना है और निकालते जाना है। और उसके बाद आप ये देख सकते हो मैंने बैक साइड के लिए अपना हाथ फोल्ड कर लिया है, और इसको जो हम अप्लाई करेंगे ये सेम जो हमारी ग्रोथ है वो डाउन डायरेक्शन में है, तो उसे उस तरीके से हमें वैक्स को अप्लाई करना है। और व्हाइट चॉकलेट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हेयर ग्रोथ के साथ साथ हमारी स्किन की जो टैनिंग है उसे भी अच्छी तरीके से रिमूव करता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि हमें घर पे ही वैक्स करना है, तो आप इसे यूज कर सकते हो। अच्छा, ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आप जब भी इस पे वैक्स लगाओ तो ज्यादा प्रेस करके इस पे निकालते टाइम इस पे ज्यादा प्रेस नहीं करना है, क्योंकि इसमें फिर ब्लड आने के भी चांसेस होते हैं। दो से तीन बार
अगर आपको हेयर ग्रोथ निकालने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इस स्किन को यहाँ पे टाइट पकड़ लेना है ताकि हमारी जो ग्रोथ है वो अच्छे से और इजीली निकल जाए। और उसके बाद अभी हमारा वैक्स कंप्लीट हो गया है, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर। अगर मॉइस्चराइजर नहीं है आपके पास तो आप टोनर भी इसे अप्लाई कर सकते हो। और ये वैक्स बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है तो अगर वैक्स कहीं कहीं लग जाए उसके बाद अगर नहीं निकल रहा है अपने हाथों से तो हमें ऑयल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। आपको ये हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।